दोपहर 12 बजने के बाद देश भर में किसान स्टेट और नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करने लगे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाया गया किसानों का चक्का जाम शुरू हो गया है। यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम बुलाया गया है। इसका असर दिखना शुरू हो गया है। किसानों ने सड़कों पर जाम लगाना शुरू कर दिया है। चक्का जाम के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के अंदर और सीमाओं पर करीब 50 जवानों की तैनाती की गई है ताकि 26 जनवरी जैसे हालात पैदा ना हो सके। आंदोलन को देखते हुए दिल्ली और एनसीआर में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। आज दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक किसान देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे पर गाड़ियों का चक्का जाम करने वाले हैं। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड पर हालांकि इस आंदोलन का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पुलिस किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयार है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर के इलाके में दिल्ली पुलिस, पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान और केंद्रीय रिजर्व फोर्स के जवानों को बड़ी तादाद में विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है। हिंसक घटनाओं की आशंका के मद्देनजर दिल्ली के 12 मेट्रो स्टेशन को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस ने इन मेट्रो स्टेशनों को इस बात के लिए तैयार रहने को कहा है कि किसी भी तरह की घटना होने पर इन स्टेशनों की एंट्री और एग्जिट को तत्काल बंद किया जाए। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर आलोक कुमार ने बताया है कि कई महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे रोड नंबर 56, NH 24, विकास मार्ग, GT रोड और जीराबाद रोड पर चक्का जाम के आह्वान के चलते पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन इलाकों पर इस तरह से बैरिकेडिंग की गई है कि किसी भी तरह की घुसपैठ ना हो सके। आलोक कुमार ने कहा कि 26 जनवरी की घटना के बाद से ही दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं। फोर्स की तैनाती की गई है। हम लोगों ने बेसिकली बॉर्डर इलाके जो संवेदनशील खासतौर पर बॉर्डर इलाके हैं उनको चिन्हित करके वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की है। उसके अलावा जो बाकी बॉर्डर्स हैं, जो चाहे इतने सिग्निफिकेंट ना भी हो, लेकिन वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट है एहतियात के तौर पे। और साथ में जो इम्पोर्टेंट, चूँकि चक्का जाम की कॉल है, तो जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट रोड्स हैं जैसे रोड नंबर 56 है या NH 24 है, विकास मार्ग है, GT रोड है, वजीराबाद रोड है, पुस्ता रोड है, ये तमाम रोड्स के ऊपर जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट की गई है। और जो जहाँ जहाँ भी फोर्स है तमाम एंटी रायट गियर के साथ इंजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो बॉर्डर के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इस किस्म की व्यवस्था की है, बैरिकेडिंग की है, ताकि किसी किस्म का इंग्रेस दिल्ली में ना हो सके। जैसा आपने देखा होगा कि जो ये व्यवस्थाएं हैं कंटिन्यूस 26 जनवरी के बाद भी चल रही है, बल्कि और पुख्ता भी की गई है। लगातार फोर्स की ब्रीफिंग की जा रही है कि अगर कहीं पे किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आती है तो कैसे उससे निपटना है। और इस वजह से हमें उम्मीद है कि ये पीसफुल रहेगा जी। तमाम जगहों पे ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है, जिससे एक एरियल व्यू बहुत ही बड़े इलाके का मिल जाता है। साथ में CCTV जो कैमरे हैं वो भी सेंसिटिव जगहों पे लगाए गए हैं। वीडियोग्राफी वगैरह का भी इंतजाम सब कुछ है। इस तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर जब होती है तो उसमें जिस तरह की व्यवस्था पुलिस करती है वो तमाम व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर रखी है। अभी तक कहीं से किसी तरह की कोई अपनी सूचना, अभी तक कहीं से किसी तरह का रोड ब्लॉक करने की किसी कोशिश का भी ईस्टर्न रेंज के अंदर में कोई सूचना नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।